बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक बे 2020-21, टुडे आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर ऑन द लेसन अ विजिट। यस्टरडे आई हैड कंप्लीटेड द पोएम लिटिल थिंग्स एंड विथ दैट आई आल्सो हैड सॉल्वड सम एक्सरसाइजेस एंड डिफाइंड फ्यू इडियम्स ऑफ टू एक्सरसाइजेस टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम्स, हाउ आर दे यूज्ड, means what is their simple meanings, they are the beauty of any language. Every language possesses idioms because they beautify the languages. Similarly, today I am reading the lesson A Visit, a new lesson from the starting. A visit means sair, ghumna firna, ऑब्जर्वेशन। मिस्टर अहमद क्लास हैड बिन प्लानिंग, मिस्टर अहमद की क्लास मंसूबा बना रही थी। अ पिकनिक, एक पिकनिक का। फॉर सम टाइम, कुछ अरसे से उन्होंने ये सोच के रखा था कि कहीं पिकनिक पे जाना है। द हेड मास्टर हैड अलाउड देम, हेड मास्टर ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। अ डेज आउटिंग, सिर्फ एक दिन के बाहर जाने की। एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस, और वो जाने वाले थे। दे वर टू गो, वो जाने वाले थे स्कूल बस के जरिए। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड, वो फितरतन बहुत पुरजोश थे। मिस्टर अहमद अरेंज द विजिट, मिस्टर अहमद ने इंतज़ाम किया घूमने का। टू अ फार्म, एक फार्म का, एक फसल या खेत का। विथ मिस्टर हसन, मिस्टर हसन के साथ। द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म, जो कि मैनेजर थे जदीद ज़रई फार्म के, जो कि मैनेजर थे जदीद ज़रई फार्म के। इट वॉज अ प्लेजेंट डे, बहुत खुशगवार दिन था। इन अप्रैल में व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास, जब मिस्टर अहमद और उसकी क्लास रीचड द मॉडल फार्म, पहुंची जदीद ज़रई फार्म। मिस्टर हसन रिसीव्ड देम एट द गेट, मिस्टर हसन ने उन्हें रिसीव किया या उन्हें खुशामदीद किया बाहर वाले गेट पे, बड़े दरवाजे पे। एंड शोड देम अराउंड, और इर्द गिर्द उन्हें घुमाया, चक्कर लगवाया, इर्द गिर्द का मुआयना करवाया। द बॉयज हैड नो आइडिया, लड़कों ने सोचा भी नहीं था दैट एन एग्रीकल्चरल फार्म कुड बी सो लार्ज, के एक ज़रई फार्म इतना वसी भी हो सकता था, इतना वसी भी हो सकता था। एंड इंटरेस्टिंग, और दिलचस्प भी। इट वॉज द वीस्ट हार्वेस्टिंग सीजन, गंदम की कटाई का मौसम था। गंदम की कटाई का, हार्वेस्टिंग, रीपिंग, कटाई का मौसम था। द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन, पार्टी ने एक बड़ी मशीन देखी। कॉल द कंबाइन, जिसको वो कंबाइन नाम ले रहे थे, पुकार रहे थे। वर्किंग, काम करते हुए। इन द वास्ट वीट फील्ड्स, वसी गंदम की फसल में या ज़मीनों में, खेतों में। इट कट द क्रॉप, वो फसल को काटती थी। एंड टाइड इट इन टू शीव्स, और उन्हें बांधती थी गठड़ियों में। शीव्स, शीफ सिंगल, शीव्स जम्मा, जैसे लीफ लीव्स, थीफ थीविज। इट कट द क्रॉप, वो फसल को काटती थी। एंड टाइड, और से बांधती थी इट फसल को। इन टू शीव्स, गठड़ियों में, बंडलों की सूरत में। विथ वन स्वीप, एक झटके में। इट सीम्ड, ऐसा महसूस होता था, नजर आता था। टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ गोल्डन क्रॉप, के वो निगल रही थी एक वसी इलाका सुनहरी फसल का। विच केम आउट, जो बाहर आता था टाइड, बंधा हुआ। इन टू अ बंडल,
बंडल की सूरत में, गठड़ियों की सूरत में, एट द अदर एंड, दूसरे सिरे से। द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर, गंदम फिर डाली जाती थ्रेशर में, विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, जो कि अलग करता था, सेपरेटेड अलग करता था अनाज को भूसे से, ग्रेन अनाज, चाफ भूसा, या भूसे और अनाज को अलग करती थी। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन, मशीन के एक सिरे से, कौन सी मशीन, थ्रेशर। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग व्हीट, उस थ्रेशर मशीन के एक सिरे से एक सुनहरी अनाज की कतार, मीठी खुशबू वाली गंदम की बाहर गिरती थी। अ गोल्डन रेन, एक सुनहरी कतार ऑफ स्वीट स्मेलिंग, मीठी खुशबू वाली वीट, गंदम की बाहर गिरती थी। वाइल चाव फिल यू आउट, जबकि भूसा बाहर उड़ जाता, एट द अदर, दूसरे सिरे से, फिल यू आउट एट द अदर, बाहर उड़ जाता दूसरे सिरे से। द स्टूडेंट्स वॉचड द वर्किंग ऑफ द मशीन, शागिर्द देखते रहे मशीन के काम करने को, या मशीन को काम करते हुए, विथ कीन इंटरेस्ट, बहुत गहरी दिलचस्पी से, बड़े शौक से, ज़ौक से। मिस्टर हसन सेड, मिस्टर हसन ने कहा, द होल प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग, ये सारा अमल, हल चलाने का, सीडिंग बीज बोने का, हार्वेस्टिंग फसल की कटाई का, एंड थ्रेशिंग और थ्रेशिंग द कॉर्न, और अनाज को भूसे से अलग करने का, इज डन, किया जाता है विथ मशीन्स, मशीनों से, ऑन अवर फार्म, हमारे फार्म पे। हु सेड दिस, मिस्टर हसन, मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर फार्म, इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स कि सारा अमल, हल चलाने का, बीज बोने का, फसल की कटाई का, और अनाज को भूसे से अलग करने का, मशीनों के जरिए किया जाता है उन पे, उनके फार्म पे। वन मैन वर्किंग विथ दिस मशीन, एक आदमी जो इस मशीन के साथ काम करता है, कैन डू एज मच वर्क, वो इतना ज़्यादा काम कर सकता है, एज 100 मैन, जितना 100 आदमी वर्किंग काम करते हैं विदाउट इट, बगैर इसके। मीन्स वन मैन कैन डू वर्क सो मच सो एज 100 मैन डू विदाउट मशीन। मीन्स वन मैन, द वर्क ऑफ वन मैन विथ मशीन इज इक्वल टू 100 मैन। बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बिलाल जो कि शागिर्दों में से एक था, सर मोहतरम, डू यू गेट बिगर क्रॉप्स, कि आप बड़ी बड़ी फसलें हासिल करते हैं इन दिस वे, इस तरीके से। मिस्टर हसन, ओ मच बिगर, मिस्टर हसन कहता हो, हाँ काफ़ी बड़ी। वाइल इन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 to 20 क्विंटल्स, जबकि सरासरी फसल या खेत पैदावार देता है 15 से 20 क्विंटल्स या बोरियां, क्विंटल्स, वन क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, मीन्स जिसको हम अ सेक ऑफ ग्रेन कहते हैं, अनाज की बोरी 100 किलोग्राम की। वाइल इन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, जबकि सरासरी फसल या खेत पैदावार देता है 15 से 20 बोरियां गंदम की, फार एवरी हेक्टर, पर एकड़ पे, वी प्रोड्यूस, हम पैदा लेते हैं, पैदावार लेते हैं, एज मच एज, इतनी ज़्यादा, जैसे 60 to 70 क्विंटल्स, 60 से 70 बोरियां। बिलाल, दिस इज़ वंडरफुल, ये तो हैरान कौन है, बट मगर श्योरली, यकीनन, मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन, मशीनें तो अनाज नहीं बनाती। मिस्टर हसन लाफिंग, मिस्टर हसन हंसते हुए, नो सर्टेनली नॉट, नहीं, यकीनन नहीं। व्हाट इन फैक्ट हैपन, जो हकीकत में होता है, पेश आता है, इज दैट, वो ये है, फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर्स, सबसे पहले मशीनें जिन्हें हम ट्रैक्टर्स कहते हैं, फ्लो डीपर, गहराई से हल चलाते हैं, देन उसके बाद दे प्रिपेयर द लैंड, वो ज़मीन को तैयार करते हैं, फॉर सोइंग मच फास्टर, बहुत तेज़ी से
बीज बोने के लिए, सोइंग बीज बोना, फास्टर बहुत तेजी से। द सोइंग मशीन सोज द सीड, बीज बोने वाली मशीन बीज बोती है, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। एंड नो सीड गोज वेस्ट, कोई बीज जाया नहीं होता। वी आल्सो सिलेक्ट द बेस्ट सीड, हम बेहतरीन बीज भी, बीज का इंतखाब करते हैं, या हम बेहतरीन बीज भी चुनते हैं। देन वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर हम कीमियाई खाद इस्तेमाल करते हैं। टू एनरिच द सोइल, सोइल या ज़मीन को जरखेज बनाने के लिए, रिच बनाने के लिए, ज़्यादा पैदावार देने के काबिल बनाने के लिए। वी गेट लॉट ऑफ केनाल वाटर, हमारे पास बहुत सी नहरी पानी है, बहुत सा नहरी पानी है। बट वी आल्सो रीगेट अवर फील्ड्स, मगर हम अपनी ज़मीनें या फसलें आबाद करते हैं, सैराब करते हैं, उनको पानी देते हैं। विथ आवर ओन ट्यूबवेल, अपने ही ट्यूबवेल से, विच कैन सप्लाई वाटर, जो हमें पानी फराहम करता है, ऑल द ईयर राउंड, पूरे का पूरा साल। फाइनली आखिर में वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, हम छिड़काव करते हैं जीत मार दवाओं का, इंसेक्ट मीन से जीत, साइड्स मीन्स मारने वाली, जीत मार दवाओं का, या जीतों को या कीड़े मकोड़ों को मारने वाले दवाओं का। ऑनवर क्राफ्ट, अपनी फसलों पे, टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, जरासीमों को और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। सो इसलिए अब फार्म प्रोड्यूसर्स, हमारा फार्म पैदावार देता है 3 to 4 times, 3 to 4 times एज मच, उतना ज़्यादा वीट, गंदम पर हेक्टर, पर एकड़ पे, एज एन ऑर्डिनरी फार्म डज, जितना के काम फार्म देता है उससे कहीं ज़्यादा, 3 to 4 times ज़्यादा। आई एम कंप्लीटिंग माई लेक्चर एट दिस पॉइंट, अगेन इन सिंधी। मिस्टर अहमद्स क्लास विजिट सेयर, मिस्टर अहमद्स क्लास हैड बिन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम, मिस्टर अहमद जी क्लास को जरसे खां पिकनिक जो प्रोग्राम ठाए रही हुई, मनसूबों करे रही हुई। द हेडमास्टर हैड अलाउड देम, हेडमास्टर उनके साथ दे छी हुई, मोकल दे छी हुई, अ डेज आउटिंग, एक ॾींहं जे ॿाहिरि वञण जी। एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस, उहे वञणा हुआ स्कूल बस जे ज़रिए। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड, उहे फितरी तौर तमामु पुरजोश हुआ। मिस्टर अहमद अरेंज द विज़िट, मिस्टर अहमद इंतज़ाम कयो विज़िट जो, घुमण जो, टू अ फार्म, हिकु फसल या फार्म जो, विथ मिस्टर हसन, मिस्टर हसन सां। द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर फार्म, जेको मैनेजर हुयो जदीद ज़रई फार्म जो। इट वॉज़ अ प्लेज़ेंट डे, ॾाढो ख़ुशगवार ॾींहुं हुयो, वणंदड़ ॾींहुं हुयो, न गर्मी हुई न सर्दी हुई, हिनखे प्लेज़ेंट डे चवंदासीं। इट वॉज़ अ प्लेज़ेंट डे इन अप्रैल, अप्रैल जो ख़ुशगवार ॾींहुं हुयो, वेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास, जॾहिं मिस्टर अहमद हिन जी क्लास रीचड द मॉडल फार्म, मिस्टर अहमद हिन जी क्लास जदीद ज़री फार्म ते पहुता। मिस्टर हसन रिसीव्ड देम एट द गेट, मिस्टर हसन हुन सां ॿारहें दरवाज़े ते मिलियो। एंड शोड देम अराउंड, हुननि खे इर्द गिर्द घुमायो। द बॉयज़ हैड नो आइडिया, छोकिरनि सोचियो बि न हुयो, दैट एन एग्रीकल्चर फार्म कुड बी सो लार्ज, हिकु ज़रई फार्म एॾो वॾो बि थी पियो सघे। एंड इंट्रेस्टिंग एंड दिलचस्प, इट वॉज़ द वीट हार्वेस्टिंग सीज़न, कणक जे कटाई या कणक जे लाबारे जो मौसमु हुयो। द पार्टी सां ह्यूज मशीन, पार्टी हिकु वॾी मशीन ॾिठी, कॉल द कंबाइन, जंहिंजो नालो कंबाइन हुयो, जंहिंखे कंबाइन सॾियो पियो वियो। वर्किंग, जेका कमु करे पई, इन द वास्ट वीट फील्ड, वसी कणक जे ज़मीन में या फसल में। इट कट द क्रॉप, उहा फसल खे कटे पई। एंड टाइड इट इन टू शीव्स, ऐं उनखे गठड़ियुनि में ॿधे पई। विथ वन स्वीप, हिकु झटके सां, इट सीम टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप, ईअं नज़र पे आयो त हू सुनहरी फसल जो हिकु वॾो इलाइक़ो गिड़काए पई। विच केम आउट टाइड इन टू बंडल, जेको ॿाहिरि पे आयो गठड़ियुनि जी सूरत में ॿधल, एट द अदर एंड, ॿिए छेड़े खां। द वीट देन वेंट इन टू थ्रेशर, उनखां पोइ कणक थ्रेशर में विधी पई वई, ॿी मशीन कहिड़ी आहे थ्रेशर। विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द चाप,
जेका मशीन अन्न के बोह का अलग करे पई या अन्न ही बोह के अलग करे पई। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट। मशीन के एक छेड़े का बाहर किरे पई सोनहरी कतार मिठड़ी खुशबू वारी कणक की। वाइल चा फिलू आउट जद बुह उडामियों पे बाहर एट दी अदर बे छेड़े का। द स्टूडेंट्स वॉचड द होल प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ द मशीन। शागिदन मशीन के कम करण के डिठो विथ कीन इंट्रेस्ट तमाम दिलचस्पी से। मिस्टर हसन सेड मिस्टर हसन चयो द होल प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग तो सजो अमल हल हर काहण जो सीडिंग बीज पोखण जो हार्वेस्टिंग लाबारे करण जो एंड थ्रेशिंग आई अन्न के थ्रेशिंग द कॉर्न आई अन्न के बोह का अलग करण जो इज़ डन विथ मशीन्स मशीनों से कह वो है ऑन अवर फार्म असाजे फार्म से। वन मैन वर्किंग दिस मशीन एक मानू जो इन मशीन से कम करे तो कैन डू करे सके तो एज मच वर्क एतरो ज़्यादा कम एज 100 मैन जितो 100 मानू करे सकन था वर्किंग विदाउट इट कम कदे बगैर इन जे। बिलाल वन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलाल जो शागिर्द में एक शागिर्द हो सर डू यू गेट बिकर क्रॉप्स वड़ा फसल हासिल किया था इन दिस वे इन तरीके से। मिस्टर हसन ओ मच बिगर मिस्टर हसन जवाब दे तो हाँ काफ़ी वड़ा। वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसिस 15-20 क्विंटल जहाँ एक सरासरी फसल पैदावार दे तो 15-20 क्विंटल्स। सरासरी मीन्स जिते मशीनों इस्तेमाल या जो मॉडल एग्रीकल्चर फार्म वागुर ना आए। सरासरी फार्म पैदावार दे तो 15-20 क्विंटल्स या बोरियूं ऑफ वीट कणक जूं फॉर एवरी हेक्टर पर एकड़ ते वी प्रोड्यूस एज मच एज 60-70 क्विंटल्स। असा पैदावार वठूं था 60-70 बोरियूं क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम या केजी। बिलाल दिस इज़ वंडरफुल बिलाल चे तो ये तो हैरान कौन है बट श्योरली मगर यकीन मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन मशीनों तनाज न थी ठाएं। मिस्टर हसन लाफिंग मिस्टर हसन टहक डींदे नो सर्टेनली नॉट न यकीन न। वॉट इन फैक्ट हैपन जेका शे हकीकत में थिए थी इज वाई दैट फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर सब का परे मशीन जिनके साथ ट्रैक्टर सदियों था फ्लोर डीपर गहराई से हर कायन था। देन दे प्रिपेयर द लैंड पो जमीन के तैयार कन था फॉर सोइंग मच फास्टर तमाम जल्दी से बीज की पोखाई के लिए। द सोइंग मशीन सोज बीज पोखण वाली मशीन बीज पोखे थी द सीड अनाज के या बीज के वेरी फास्ट तमाम तेजी से एंड नो सीड गोज वेस्ट ए को भी बीज जया न तो वे। वी आल्सो सिलेक्ट द बेस सीड अस पिण बेहतरीन बीज जो इंतखाब क्यों था या चूंडियों था बट वी आल्सो हाँ देन वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐसा कीमियाई भाण इस्तेमाल किया था कीमियाई खाद या कीमियाई भाण जैसे यूरिया DAP NAP इस्तेमाल किया था नेचुरल फर्टिलाइजर या उनके ऐसा मेन्यूअर चवंदा आहियूं जेको माल जो भाण हुंदो आहे आम तो बराड़ी उनके डंग चबो आहे पर असां उनके मेन्यूअर चवंदासीं नेचुरल। To enrich the soil, अनाज इन ज़मीन के या ज़मीन के मथा सतह के जरखेज बढ़ाने के लिए एनरिच उनके जरखेज बढ़ाने के लिए। वी गेट अ लॉट ऑफ कैनाल वाटर अस तमाम घणो नहरी पानी हासिल क्यों था बट वी आल्सो इरीगेट पर अस पिण सैराब क्यों था या पानी दियूं था। अवर फील्ड्स पंजे बनियों के विथ अवर ओन ट्यूबवेल पंजे ट्यूबवेल के जरिए विच कैन सप्लाई वाटर जो को पानी फराहम कर सके तो ऑल द ईयर राउंड सजो साल। फाइनली आखिर में वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स असा फुहारो क्यों था जीत मार दवाओं जो आनवर क्रॉप्स पंजे फसलन ते टू किल जर्म्स जरासीम के मारण के लिए एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स नुकसान पहुँचाईंदड़ कीड़न मकोड़न के। सो अवर फार्म प्रोड्यूसर्स तेज कर फार्म पैदावार दिए तो 3-4 टाइम्स स्प्रे का 4 गुना एज मच वीट एतरी ज़्यादा कणक पर हेक्टर पर एकड़ ते एज एन आर्डनरी फार्मर्स जितनी एक आम फार्म दे तो। डिफिकल्ट वर्ड प्लानिंग मनसूबाबंदी करना
अलाउड इजाज़त देनी आउटिंग बाहर जाने की, घूमने फिरने की, घूमन फिरण जी। दे वर टू गो ये वंजणा हुआ, उन्होंने वंजणो हुओ। नेचुरली फितरी तौर कुदरती तौर एक्साइटेड पुरजोश अरेंज इंतज़ाम के मैनेज्ड एग्रीकल्चर ज़रई एग्रीकल्चर ज़रात एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव ज़रई फार्म फसल या खेत उर्दू में। प्लीजेंट खुशगवार वणंदड़ लवली। रिसीव्ड हासिल कियो शोड ॾेखारियो अराउंड शोड देम अराउंड इर्द गिर्द उन्हनि खे घुमायो। इंट्रेस्टिंग दिलचस्प हार्वेस्टिंग लाबारो वीट हार्वेस्टिंग सीज़न कणक जे लाबारे जी मौसम। पार्टी टोलो ह्यूज वॾी कंबाइन मशीन जो नालो आहे, मशीन का नाम है। शीव्स बंडल गठड़िया। स्वीप झटको लामारो एक ही झटके में। सीम्ड नज़र आता था लुकड फेल्ट महसूस होता था। थ्रेशर नेम ऑफ द मशीन विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ। ये मशीन है जो अनाज को भूसे से अलग करती है। सेपरेटेड अलग किया अलग कियो ग्रेन अनाज चाफ भूसा बुह। स्वीट स्मेलिंग मिठड़ी खुशबू वारी वणंदड़ खुशबू वारी। फ्लोइंग हर काहिण प्रोसेस अमल सीडिंग बीज की पोखाई हार्वेस्टिंग फसल की कटाई थ्रेशिंग सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ अनाज बोह खां अलॻि करण जो अमल। प्रोड्यूसिस पैदावार देती है पैदावार ॾिए थो। क्विंटल्स इज इक्वल टू 100 के जी। वंडरफुल हैरान कोन श्योरली यकीनन सर्टेनली। लाफिंग कहकहा लगाते हुए फ्लो डीपर गहरा हल चलाना गहरो हर हलाइण। सोइंग बिज पोखण। केमिकल फर्टिलाइजर कीमियाई भाण कीमियाई खाद। एनरिच जरखेज बनाना जरखेज बनाइण। सॉइल अपर लेयर ऑफ द लैंड अपर लेयर ऑफ द अर्थ जमीन की ऊपरी सतह जो जरखेज होती है जहाँ पे हम फसल उगाते हैं सॉइल कहते हैं उसे। इरीगेट सिराब करना पानी देना पानी देना। सप्लाई फराहमी दस्तियाबी। इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मकोड़े को मारने वाली दवाएं कीड़े मकोड़े के मारिंदर दवाओं स्प्रेज। जर्म्स जरासीम हार्मफुल इंसेक्ट्स नुकसान पहुँचाइंदड़ कीड़ा मकोड़ा नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े मकोड़े। हेक्टर पर एकड़ आर्नरी फार्म आम फार्म जहाँ पे मशीनें इस्तेमाल नहीं होती हाथों से काम होता है। डियर स्टूडेंट्स माय लेक्चर ऑफ क्लास मैट्रिक फॉर टुडे इज ओवर। आई रेड द लेसन आई विजिट फर्स्ट पेज एट पेज 15 आई रेड दिस लेसन। थैंक यू।